तो वैसे मुझे तो, मैं तो शाहरुख से की नकल कर नहीं सकता हूँ तो, बट यहाँ पे हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट हैं जो कि आप सबको मनोरंजन करेंगे, एंड हूबहू हमें ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल एक असली एक्टर हमारे सामने खड़े हैं. सो लेट्स कॉल अपॉन ऑन द स्टेज वंडरफुल मिमिक्री आर्टिस्ट आशीष रावत. प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आशीष रावत. तो मिमिक्री आर्टिस्ट जो होते हैं हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान देते हैं. एक ही व्यक्ति, एक ही पर्सन आपको कई सारे एक्टर एक्ट्रेस से मिलवा देते हैं. जी हाँ, उनकी आवाजें निकालकर, और कई बार तो अलग अलग तरीके की इतनी सारी आवाजें निकालते हैं कि अगर आपका चेहरा मुरझाया हुआ है और स्माइल ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता. जी हाँ, कितना भी मुरझाया हुआ चेहरा हो, हंसाने का काम करते हैं. गुड इवनिंग एवरीबॉडी, लेडीज एंड जेंटलमैन. थैंक यू सो मच डॉक्टर परमिंदर सिंह जी का, जिन्होंने यहाँ पे मुझे ये मौका दिया है. प्रेरणा चैटर्जी शो स्टार इंडियन आइकन अवार्ड 2024. एक बार जरा जोरदार तालियां हो जाए प्लीज. देखिए, जैसे मैम बात कर रही थी हंसते हंसाने के लिए, हंसना हंसाना बहुत जरूरी है कि कहते हैं हंसने से शरीर का जो रक्त है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है और उससे खून भी बढ़ता है. और एप्रोसली में आपका 1-2 लीटर खून बढ़ा के जाऊंगा. शुरुआत करते सुनने में आई थी कि हमारे यहाँ पे भाभी जी के कुछ करेक्टर भी आने वाले हैं, तो अभी सुनने में आया था कि हमारे सलीम जैदी जी भी आने वाले हैं, यानी टिल्लू जी. भाभी जी घर पे टीवी शो किस किसने देखा है? सभी देखा. शुरुआत करेंगे भाभी जी घर से. तो अगर हमारे सबसे सलीम सर अभी आएंगे, टिल्लू जी के करेक्टर जो करते हैं, कैसे देखिए. कसम से कह रहा हूँ सेठ जी, अब तो मैं तनख्वाह दे दूँ वरना गुर्दे छील दूंगा, बता रहा हूँ. आ तालियाँ बजा दो जोरदार. आ कसम खा के कह रहा हूँ, अम्मा दो बिस्कुट पकड़ लो, खाली पेट चाय पियोगी तो पेट पे गैस बन जाएगी, पकौड़े में टाइम लगेगा. कसम खा के कह रही हूँ, प्रेरणा चैरिटी शो में मज़ा आ गया, ज़बरदस्त शो है, तालियाँ बजा दो जोरदार. और इसी दौरान हमारे अगर चाचा जी आ गए लंदन वाले, जैसे हमारे नानजी भाई लंदन से चल के आए हैं, तो चाचा जी भी आ रहे हैं क्योंकि लंदन में बहुत ज़्यादा बर्फबारी पड़ रही है. तो कैसे, अरे भाई रुक 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 रुक, लंदन में टैक्सी चलाएगा, अरे ये क्या रिएक्शन है, खचड़ों की बीबी तेरी बहन है और तेरी बीबी तेरी बहन के स्वाग को छीनने की फिराक में, तुझे अपनी बहन की स्वाग की रक्षा करनी है. प्रेरणा चैरिटी शो के लिए जोरदार तालियां बजा दो. लंदन से बात कर रहा हूँ, खचेड़ू का चाचा लंदन में टैक्सी चलाएगा. अब आगे प्रेम जी. हाँ, अभी विभूति है और कच्छे बनियान, मैं सब जानता हूँ भाई. अबे तुम लोग का ड्रामेबाज नहीं हूँ, आज तो मैं जा रहा हूँ प्रेरणा चैरिटी शो में क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है. अब दोस्तों, ये तो आपने सुनी भाभी जी घर की वॉइस, पर मैं कुछ डिफरेंट वॉइस निकालता हूँ. एक्चुअली मुझे आशीष ट्रेन मैन भी कहते हैं, पर आपके बीच में यहाँ पे मैं एक ट्रेन चलाने वाला हूँ जिस ट्रेन का नाम होगा प्रेरणा की ट्रेन. जिस प्रकार से हमारे सर ने, प्रविंदर जी ने टीम को जोड़ा है, उसी प्रकार से ये ट्रेन जुड़ के सारे सफर को लेके जाएगी. आपको भी एक पल के लिए, एक मिनट के लिए ऐसा महसूस फील होगा कि वाकई में आप लोग ट्रेन में बैठे हैं और सफर के लिए जा रहे हैं, यानी मुंबई सेंट्रल स्टेशन की तरफ जा रहे हैं. ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पे खड़ी होती है तो डीजल इंजन क्या मूवमेंट करेगा, जब ट्रेन चलेगी तो क्या हुआ इफेक्ट होगा, जब ट्रेन ब्रिज पर आएगी तो क्या मूवमेंट होंगे. देखिए, सबसे पहले ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है और डीजल इंजन क्या मूवमेंट कर रहा है, सुनिए. सिंगल डाउन हुआ और डेवन ने हॉर्न दिया, कैसे. अब देखिए ट्रेन कैसे चली. कैसे ट्रेन ने स्पीड पकड़ी.
अब देखिए ब्रिज आ गया, ब्रिज भी पकड़ते हैं दो प्रकार से, एक पड़ता है सूखा पुल, एक पड़ता है पानी वाला, यानी बंजर जमीन है उसके नीचे कोई पानी वगैरह नहीं है, और ट्रेन कैसे गुजरेगी, अफेक्ट चेंज होगा कैसे? आगे बढ़े, बोरीवली पार किया, बड़ा वाला पुल आ गया समुद्र का, कैसे? इसी दौरान दो ट्रेन क्रॉस कर रही है, एक आ रही है सुरंजीवी एक्सप्रेस और दूसरी प्रेरणा की हमारी ट्रेन, दो ट्रेन कैसे गुजरेंगी, सुपर फास्ट क्रॉसिंग। लगा आपको भी वाकई में ट्रेन में बैठे थे? देखिए तो आपने सुना ट्रेन, अब आपके बीच में आ रहा है हेलीकॉप्टर। अब देखिए हेलीकॉप्टर कैसे बीच में उड़ के चला जाएगा, दूर से क्या साउंड होगा हेलीकॉप्टर का? जैसे आप कोई मेरी वीडियो देखना चाहता है तो वो आशीष ट्रेनमैन के नाम से यूट्यूब पे वीडियो देख सकता है, आशीष ट्रेनमैन। आपसे कुछ एक क्वेश्चन करना चाहूंगी, क्या जी, कर सकती हूं? जी बताइए। आपने ये आवाजें निकालना कब से शुरू किया, या आपको किसी ने ट्रेन किया कि आप ये चीज करो? मैं 12 साल का था तो जब छोटा सा था तो ऐसे छोटी मोटी मिमिक्री किया करता था। उसके बाद मैं एक दिन स्टेशन पे गया, रेलवे स्टेशन पे, तो मैंने ये सोचा, मुंबई रेलवे स्टेशन नहीं अपने गांव में, हाँ, तो मैंने ये सोचा कि बहुत सारे मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे लोग नाना पाटेकर की आवाज निकालते हैं, अरे आ गई मेरी मौत का तमाशा देखने, अभी क्या होगा, फंसी का फंदा पड़ेगा और जबान ऐसा ही बाहर आएगी। तो बहुत सारे मैंने कहा शाहरुख खान साहब की आवाज निकालते हैं, अमिताभ बच्चन साहब की आवाज निकालते हैं, तो मैंने कहा ऐसे मिमिक्री आर्टिस्ट कॉमेडियन बहुत है पर मैं कुछ अलग करूँ, अगर मैं सारी आवाजें वो निकालूंगा तो फिर फर्क का थोड़ा सा डिफरेंट भी होना चाहिए। तो मैंने सोचा मैं कुछ, फिर ट्रेन को मैंने देखा, ट्रेन को एब्जॉल्व के एक मोमेंट्स, मतलब उसे गॉड गिफ्ट कहते हैं, एक मोमेंट्स आया तो मैंने उस पर वर्क किया और एक से डेढ़ साल मैंने उस पर मेहनत करी, उसके बाद ये आवाज़ मैं कंप्लीट बना पाया, जब आपको लगा कि वाकई में आप ट्रेन में बैठे। यहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, धीरे धीरे करते 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 करते, मतलब काफ़ी समय हुआ ट्रेनों में बहुत सफ़र किया, मतलब कभी भी सोचा नहीं, मतलब डेली एक घंटा जाना, प्रैक्टिस करना, ये सारी चीजें ये मैंने करी हैं और इस तक मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और वैसे आपके जहन में था कि एक्टर एक्ट्रेस की आवाजें तो सभी निकालते हैं, कुछ डिफरेंट करके? हाँ, तो मैंने कहा एक वीडियोस मेरा बना ट्रेन मैन के नाम से, वो वायरल हुआ, लोगों ने पसंद किया, मैंने कहा मैं कुछ ऐसी आवाज बनाऊंगा तो वाकई में लगनी चाहिए कि ट्रेन ही चल रही है। सही बात है, और हमें वाकई लगा कि हम ट्रेन में ही बैठे हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बढ़िया आशीष जी, मुझे ऐसा लगा मैं पूरी जर्नी करके आ गया हूँ जी, ट्रेन से लेके, बस से लेके, हेलीकॉप्टर से लेके, प्लेन से मैं कूद गया हूँ, और प्लीज एक बार जोरदार तालियां आशीष जी के लिए। अच्छा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको, जैसे लाइट्स ऑफ हो जाए अभी, लाइट्स ऑफ कीजिएगा, हाँ चिट डाउन, लाइट्स ऑफ हो गई, अब हम जनरेटर स्टार्ट करेंगे। जनरेटर को जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें स्टार्ट करते करते एयर आ जाती, इंजन तेल छोड़ देता, कैसा है उसका वॉइस इफेक्ट होता, देखिए हत्ते वाला जनरेटर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। थैंक यू। जनरेटर ऑन होने से लाइट्स भी ऑन हो गई हैं और हमारे खूबसूरत चांद तैयार भी हो गए हैं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वैसे वॉइस बहुत है पर समय कम है और काम ज्यादा है। यस बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आपके सामने अब आने वाले हैं, जी हाँ, कोट सेट्स और बिल्कुल रेडी हैं हमारी मॉडल्स, तो उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। लेकिन थैंक यू सो मच। Thank you.
चुके हैं तो उनके लिए तुम्हें बजानी है जोरदार तालियां। वो यहाँ के एसीपी हैं, आई शुड टेल यू, संजय पाटिल जी, एसीपी ऑफ मुंबई, प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। हमारे बीच हैं आज। रेखा जी, मैं थोड़ा सा आपको जैसे मिमिक्री करके देती, मुझे तो आती नहीं है, है ना, थोड़ी शेरों शायरी करके देती, वैसे मैं थोड़ा डांस करने का सोच रहा हूं। मत करना मिमिक करे घर नहीं की। नहीं, वो मैं तो कहां कर सकता हूं, मतलब सब भाग जाएंगे। मैं अपनी एक्टिंग कर लूं वही बहुत है ना। तो मैं डांस ट्राई करना चाहता हूं। कैन आई द म्यूजिक इफ आई कैन डांस लाइक फॉर जस्ट 5 सेकंड। आई एम जस्ट ट्राइंग। यू कैन ट्राई। कैन आई द म्यूजिक? अरे सच में ये वाला चला दिया। ट्राई कर रहा हूं।
बोलते हैं यार मैं डांस नहीं कर सकता हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ डांस में, मैं गणपति विसर्जन और पार्टी वार्टी में बस डांस कर लूँ वही काफी है, लेकिन हमारे बीच आज यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन डांसर्स हैं, सो लेट मी कॉल ऑन द स्टेज ब्यूटीफुल डांसर्स फ्रॉम द डांस मोरे ग्रुप, और जोरदार तालियां होनी चाहिए क्योंकि इनकी एनर्जी देख के आप भी झुक नहीं बैठेंगे, सो लेट्स वेलकम डांस मोरे ग्रुप, कम ऑन एजी डांस एंड इवेंट्स डांस ग्रुप लेकर आ रहे हैं, जी हाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, लेट्स गो। दिल की आदतें बंदर छाप है, खाली पीली छत पे चढ़े
बहुत खूबसूरत। बच्चों के लिए जोरदार तालियां, बहुत एनर्जी दिखाई है इन्होंने। आगे आगे आते हैं, आगे आइए। एंड इनके जो कोच हैं, हम प्लीज इनसे बात करना चाहते हैं। सर आप बताइए, इन बच्चों को कैसे ट्रेन कर रहे हैं? बच्चों लास्ट टू वीक से हम लोग एवरी डे 2 to 3 hours लाइक 7 to 10 प्रैक्टिस करे। हमारा एक डांस नहीं है, स्टार्टिंग में गणेश वंदन हुआ था, वो भी था सोलो डांस, उसने 2 दिन में प्रिपेयर किया है। ये डांस तो हमारा ऑलरेडी थोड़ा सेट था, बट कुछ नए बच्चे तो थोड़ा प्रैक्टिस करने, बट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लास्ट परफॉर्मेंस आपको हिला के रख देगा पक्का, श्योर। थैंक यू, ऑसम ऑसम। लेकिन देखो मैं डांस नहीं कर पाया और मुझे बड़ी वो यू नो एम्बैरेस फील कर रहा हूँ, तो मुझे यार आप थोड़ा सा डांस सिखाओगे, राइट? सिखाओगे तो थोड़ा सा मुझे यार बता दो, मैं आपके साथ करूंगा, राइट? अभी तुम्हारा डांस तो देख ही लिया, और सिंगिंग देखोगे मेरी? नहीं नहीं नहीं, देख लो। अच्छा चलो ठीक है, कौन सा गाना गाऊं? कोई भी गा दो, आता तो नहीं है वैसे बट चलो एक अपना प्यार सा गाना गा दो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। गर्लफ्रेंड के लिए? हाँ कह सकते। हाय हाय क्या मुस्कुरा दिया लेकिन ऐसा ना हो कि वह सुन के भी ब्रेकअप हो जाए मेरा। अरे नहीं 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 होगा, मैं संभाल लूंगी, है ना? एक बस वो लाइन बड़ी प्यारी लगती है कि वो विवाह पिक्चर आई थी शाहिद कपूर की, तो उसमें बड़ी प्यारी सी लाइन है कि पूछ तो लो किसी ने देखी है या नहीं। हाँ देखी है ना, विवाह अमृता राव और उसकी, राइट? ब्यूटीफुल लव स्टोरी। तो मैं उसका गाना अक्सर गुनगुनाता हूँ कि मुझे हक है चांद पूनम का जगाऊं, मुझे हक है अमावस्या का पिया 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 पिया, बस मुझसे रूठना नहीं सुनकर यार, हमसे सुना नहीं जाएगा। अब हम एक्सपर्ट को बुलाते हैं सिंगिंग के लिए। जी हाँ, मैं बुलाना चाहूंगी प्रदीप जी को, प्रदीप पांडे। और इन्होंने स्टार्टिंग में भी आपको एक सॉन्ग, एक नहीं दो सॉन्ग सुनाए थे और बहुत ही प्यारा गाते हैं। अभी एक और सॉन्ग आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं अगर आप चाहते हैं तो। दोस्तों शब्दों में अगर मीठी सी चाशनी और मिला दी जाए और उसके सामने, सिद्धार्थ में तुम्हारे लिए भी बोल रही हूँ। यस यस, अरे वाह, हाँ चाशनी बोलिए। हाँ चाशनी, हाँ। अगर शब्दों में मीठी सी प्यारी सी अच्छी सी लेकिन कम चाशनी मिला दी जाए और दूसरों के सामने, जो हमारे सामने है उनके सामने अपने शब्दों को पेश किया जाए, तो बोलने वाले की सुंदरता तो बढ़ी जाती है, सुनने वाला भी गदगद होकर मुस्कुराने लगता है। अरे वाह, यानी कि आपका खून का लेवल बढ़ जाता है। और तो आप कहना चाहते हैं कि मतलब मेरी वो बोली में चाशनी है, राइट? चाशनी है नहीं, डालो। अच्छा डालो, ये कहना चाह रही हूं। ओके, सो फिलहाल चाशनी डालने आ रहा है प्रदीप पांडे। गाइस बहुत ही प्यारा सिंगर है एंड आई एम श्योर आप इसकी सिंगिंग सुन के थोड़ा नॉस्टैल्जिया भी हो जाएंगे और थोड़े अपने अपने पार्टनर्स को याद भी करेंगे। सो प्रदीप पांडे, आर यू रेडी ब्रो? यस। और दोस्तों गाने हो, शब्द हो, किसी की शायरी हो, मिमिक्री हो, लेकिन जब उसके शब्द आपके दिल पर देते हैं खास दस्तक, और ऐसी दस्तक कि वो शब्द आपके कानों के जरिए दिल में उतरें और दिल में उतरकर
कुछ ऐसा माहौल क्रिएट कर दें कि अगर आप कुछ कहना भी चाहें तो लफ्जों के जरिए उस एहसास को, उस बात को कह ना पाए, तो वही बात होती है खास, बहुत खास। वाह, पर जो बात कह ना पाए वही बात होती है, मतलब कुछ बातें ऐसे होती हैं जो आप फील करते हैं, बहुत अच्छा, अच्छा फील करते नहीं हैं पाते। तो लफ्जों के जरिए हम उस चीज को बयां नहीं कर पाते, तो कुछ खास चीजें ऐसी भी होती हैं, जैसे कोई सॉन्ग हो गया, किसी की बातें हो गई, या फिर आपने किसी को देखकर जो एहसास फील किया, जो लेकिन वो सामने वाले को भी समझ में आना चाहिए ना। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के सामने बहुत टाइम आंखों से बोलने की कोशिश की, वो एंड में बोलती कि तुम गूंगे हो क्या, मतलब बोल नहीं सकते, तो मैं तो बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं बोलूं अपनी आंखों से। तो उसको बताओ कि आंखों को भी पढ़ना सीखे, सीख रही है। और जब ऐसे लम्हे, ऐसे एहसास हमारे साथ होते हैं, हमारे पास होते हैं, तो आपकी दिल की किताब में एक पन्ना और जुड़ जाता है। वैसे तो दिल की किताब के पन्ने इतने ज्यादा होते हैं, क्योंकि डेली कोई ना कोई बात जो आपको अच्छी लगती है या बहुत बेकार लगती है, जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, तो ऐसे भी पन्ने आपकी लाइफ के, आपके दिल की किताब में जुड़ जाते हैं। लेकिन ऐसे पन्नों को पढ़ने के लिए कभी आपके पास वक्त ना हो, और जो गोल्डन पीरियड है आपके, उनके पन्ने पढ़ने के लिए आपके पास हमेशा वक्त हो। बस यही चाहती हूँ, यही दुआ करती हूँ। Awesome. So guys, let's start. Beautiful singing. Pradeep Pandey, come on, stage is yours. Okay guys, so कैसे हैं आप सब? एक बार जोरदार तालियां बजाओ, जोरदार, क्या बात है, थैंक यू सो मच। प्रीत की लत मोहे सी लागी, हो गई मैं मतवारी, मोहे बल बल जाऊं है मैं जाऊं वारी वारी, मोहे सुध बुध नायल रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, बेबस और लाचार भी मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी। रब दे
थोड़ा जोर से, मजा नहीं आया। वन टू तेरी दीवानी, तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, ओ जी आहा जी हो गई मैं, तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी भीग भीग सी है रातें, भीग भीग आके, भीग भीग बातें, भीग भीग आंखों में कैसे ये नमी है, ओ सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ रहा है आप सबको, तो एक बार जोरदार तालियां अपने लिए एक बार फिर से। एक और गाना मैं आपके लिए गाऊंगा, उसके बाद और भी हमारे पास परफॉर्मेंस है। आपके लिए गाएंगे, आपके लिए गाएंगे, किसके लिए गाएंगे, प्ले बताओ। हम गाएंगे आपके लिए। क्या बात है। मैं गाऊंगा आप सबके लिए। तो कुछ ओल्ड सुनना है या कुछ नहीं, आप बता दो। Yeah, किसी की कोई फरमाइश है तो आप बोल सकते हैं, कि अगर कोई स्पेशल सॉन्ग आपको सुनना है तो। किसी को नहीं सुनना स्पेशल, अपना ही स्पेशल सुना। ठीक है, ओके। ओके सो एक बार के सर के लिए जोरदार तालियां बजाइए गाइस। सो मैं पहले के सर का ही गाता हूं। उनके फैन है। जरा सा अपना ले बना,
जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा, मैं चाहूं तुझको मेरी जान पे बना, फिदा हूं तुझ पे मेरी जान पे बना, वो सो मच। एंड उपासना में हमारे बीच आ चुकी हैं, सिर्फ उपासना में मेरे जोरदार तालियां। मैं अभी दो दिन पहले मैम के घर पे मिला, तो मैम ने बोला प्रदीप ए मेरे वतन के लोगों प्लीज़ ज़रूर गाना तुम, तो मैम दिस सॉन्ग इज़ फॉर यू। जो शहीद हुए हैं उनके जरा याद करो कुर्बानी, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बहुत ही बढ़िया गाया आपने। एंड सबसे पहले उपासना मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। गाइस प्लीज जोरदार तालियां उपासना जी के लिए। एंड प्रदीप मैं चाहता हूँ कि यार आपने इतना बढ़िया गाना गाया तो मैं भी कुछ डेडिकेट करना चाहता हूँ, तो एक विदाउट म्यूजिक आप एक गा सकते हैं, दो लाइन है सिर्फ। आप बिल्कुल गा सकते हैं। तेरे लिए फ्रॉम वीर ज़ारा प्लीज। जस्ट आई वांट स्केल एक्स्ट्रा के चार्जेस लगते हैं सिद्धार्थ। तेरे लिए हम हैं जी, होंठों को सिए तेरे लिए हम हैं जी, होंठों को सिए
दिल में मगर चलते रहे चाहत के दिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए ऑसम थैंक यू जोरदार तालियां प्रदीप मैंने अपनी किसी स्पेशल के लिए डेडिकेट किया था थैंक यू सो मच यार थैंक यू और जिस मूवी के बारे में आपको मैं बता रही थी आप सभी को कि मेरी पहली मूवी पंजाबी मूवी थी तो मैं सिद्धार्थ तुम्हें बता दूं कि जो मेरी पहली पंजाबी मूवी थी जिंद जान वो उपासना जी के साथ ही थी और मैम मैंने डॉक्टर का कैरेक्टर किया था आपको याद होगा और वहाँ पे बहुत ठंड थी तो उपासना जी बोल रही थी जल्दी करो यहाँ बहुत ठंड है पंजाब में वाकई दिसंबर के टाइम पे तो बहुत ठंड होती है। बहुत बढ़िया अनुपासना जी मुझे बहुत खुशी हो रही है आप आए थे मैं भी पंजाबी हैगा एंड बहुत अच्छा लग रहा है आज मैम मस्का लगा रहे हो पंजाबी मतलब मैम से मैं पहली बार मिला तो बताऊंगा एंड सो शुड वी गो ऑन फॉर द नेक्स्ट परफॉर्मेंस यस और अब हमारे बीच आ रहे हैं बिजॉन ग्रुप से एक बच्चों का ग्रुप डांस तो उनके लिए भी जोरदार तालियां होनी ही चाहिए क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो भाई उनको आगे बढ़ाने के लिए आपकी तालियों की जरूरत होती ही है ने लूटा गैरों में कहां दम था मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था
मंडळाच्या सर्व सभासदांना कळविण्यात येत आहे. बिजॉय सर, उनके लिए जोरदार तालियां. बिजॉय सर, यू कैन ऑन द स्टेज. थोड़ा सा आगे आ जाइए बच्चों, एक ग्रुप फोटो. सर बहुत ही बढ़िया सिखाया आपने और सभी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत एनर्जी थी. तो मैं चाहूंगा कि आपके भी दो स्टेप तो सर बनते हैं प्लीज. हाँ ना सर, प्लीज कम ऑन, दिखाइए सर. तो म्यूजिक स्टार्ट करवा देते हैं. म्यूजिक दादा, विजय सर प्लीज कम ऑन योर एनर्जी अगेन. दिस सेम सॉन्ग. Awesome, Vijay sir, बहुत ही बढ़िया. और अब बेसब्री से जिस घड़ी का हमें इंतजार था, जी हाँ, वो आ चुकी है. तो सबसे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी पलविंदर सिंह जी को. जी हाँ, प्रेरणा चैरिटी शो इन्हीं की वजह से आज हमारे साथ है. तो जोरदार तालियां हो जाएं गाइस. ड्रॉप योर एनर्जी प्लीज. वन गाइस, अभी तो डिनर का टाइम भी नहीं हुआ है कि एनर्जी डाउन होने लगे. और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी गिरीश थापड़ जी को. द वंडरफुल सीनियर एक्टर गाइस, प्लीज जोरदार तालियां गिरीश थापड़ जी के लिए. एसीपी संजय पाठक जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी. प्लीज सर कम ऑन द स्टेज. संजय पाटिल जी प्लीज कम ऑन द स्टेज. सर पाटिल, सॉरी, संजय पाटिल जी को. और Welcome, अब sir.
मैं बुलाना चाहूंगी, जी हाँ, हमारी चीफ गेस्ट उपासना सिंह जी को। गाइस प्लीज जोरदार तालियां, कम ऑन, जोरदार तालियां। अ स्पेशल गेस्ट टुनाइट, उपासना सिंह जी। वेलकम मैम, वेलकम। और आप बुलाना चाहूंगी, भाभी जी घर पे हैं, मैं, आपने बहुत बार इनको देखा होगा, जी हाँ, सलीम जैदी जी को। Awesome guys, come on, तालियां। Welcome sir. एक माइक और दे दीजिए पीछे से अगर है तो। पलिंदर जी के हाथों से सम्मान दिया जा रहा है आज हमारे स्पेशल गेस्ट को, उपासना जी, गिरीश जी, सलीम जी, संजय जी। गाइस प्लीज जोरदार तालियां, हमारे स्पेशल गेस्ट हैं आज की रात के। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, कोई टैक्स नहीं है, कोई वैट नहीं है, कम ऑन। भूल गया मेरे साथ ऐसी कुछ नहीं। अब समझ में आ रहा है कि इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है लगातार, और चेहरे की मुस्कानें भी और ज्यादा खिली खिली नजर आ रही है।